Hi friends, today in this video I will show you how to make this automatic 12 volt smart battery charger circuit. And this charger circuit doesn't overcharge the battery and automatically start charging while battery voltage is below 14 volt. So keep watching the video till end. Hey, circuit ka circuit diagram. और इस डायग्राम को मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरे डिटेल्स के साथ लिंक दे दिया हूँ, तो वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप इस सर्किट को कैलिब्रेट करना चाहते हैं दूसरे वोल्टेज पे, 12 वोल्ट, 13 वोल्ट, 14 वोल्ट, 15 वोल्ट पे, तो सिर्फ आपको इस 1 किलो ओम रजिस्टर को बदलना है। तो आप किसी भी वोल्ट पे सेट कर सकते हैं इस सर्किट को। ये है इस सर्किट में यूज़ होने वाले सारे कंपोनेंट, आप देख सकते हैं, एक एक करके मैं बताते रहूँगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये है 12 वोल्ट का रिले और इसमें है 5 पिन। ये जो दो पिन है साइड का, ये है कोयल का पिन और ये है मिडिल पिन और ये है नॉर्मली क्लोज पिन और ये है नॉर्मली ओपन पिन। जब हम दोनों कोयल में पावर देते हैं तब कॉमन पिन से जो नॉर्मली क्लोज पिन है उसमें कनेक्शन रहता है, उसके बाद नॉर्मली ओपन पिन में कनेक्शन चला जाता है कॉमन पिन से। तो ऐसे रिले काम करता है। उसके बाद लेना पड़ेगा हमें एक ब्लैंक पीसीबी का टुकड़ा। उसके बाद लेना पड़ेगा हमें एक इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर 35 वोल्ट 3300 माइक्रोफैरड का। इसके बदले आप 2200 माइक्रोफैरड का भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए इस इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर को पीसीबी में लगा लेते हैं अच्छे से। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने इस चैनल पे पहली बार आए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, उसके साथ बगल में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए ताकि हमारे अगली वीडियो आप तुरंत पाए और सबसे पहले देख सके। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक डायोड लिया है जो कि 1N5402 का है। इसके बदले आप 4007 का भी डायोड यूज कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा पावरफुल है। उसके बाद लेना पड़ेगा हमें एक ट्रांजिस्टर जो कि S8050 का है और ये ट्रांजिस्टर NPN ट्रांजिस्टर है। उसके बाद हमें लेना पड़ेगा 2 पीस 4.7 किलो ओम का क्वार्टर वाट का रजिस्टर, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो चलिए दोनों रजिस्टर को पीसीबी में लगा लेते हैं अच्छे से। उसके बाद लेना पड़ेगा हमें एक 1 किलो ओम का रजिस्टर क्वार्टर वाट का। उसके बाद फिर से और एक 1 किलो ओम का रजिस्टर लेना पड़ेगा क्वार्टर वाट का। उसके बाद लेना पड़ेगा एक इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर जो कि 25 वोल्ट 2200 माइक्रोफैरड का है। उसके बाद फिर से हमें S8050 का NPN ट्रांजिस्टर एक लेना पड़ेगा। उसके बाद लेना पड़ेगा हमें एक 3 वोल्ट का ब्लू LED। उसके बाद लेना पड़ेगा हमें एक रेड कलर का 3 वोल्ट का LED। उसके बाद हमें लेना पड़ेगा 3 वोल्ट का ग्रीन LED। उसके बाद फिर से हमें एक 4.7 किलो ओम का क्वार्टर वाट का रजिस्टर लेना पड़ेगा। और आखिर में हमें लेना पड़ेगा एक 10 किलो ओम का क्वार्टर वाट का रजिस्टर, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो फाइनली हमारे सर्किट में सारे कंपोनेंट लग चुका है। तो पहले जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए इस सर्किट को टेस्ट करके देखते हैं। सारे कंपोनेंट को पीसीबी में सोल्डर करने के बाद सर्किट कुछ ऐसा दिख रहा था, जैसे कि आप देख सकते हैं। रेड कलर का वायर है पॉजिटिव इनपुट और ऑरेंज है पॉजिटिव आउटपुट, और दोनों ब्लैक कलर का वायर है कॉमन नेगेटिव। तो
तो इस सर्किट को चेक करने के लिए सबसे पहले लेना पड़ेगा हमें एक 12 वोल्ट का 2 एम्पियर का ट्रांसफार्मर, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर ले लिया हूँ। उसके बाद लेना पड़ेगा हमें एक फुल ब्रिज रेक्टिफायर जो कि एसी वोल्टेज को डीसी में कन्वर्ट करेगा। इस रेक्टिफायर के साथ एक कैपेसिटर भी जुड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो चलिए फुल ब्रिज रेक्टिफायर को ट्रांसफार्मर के साथ जोड़ देते हैं। तो फाइनली हमारा 12 वोल्ट ऑटोमेटिक स्मार्ट बैटरी चार्जर को इस 12 वोल्ट आउटपुट देने वाला ट्रांसफार्मर के साथ कनेक्ट करते हैं। एक्चुअली 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर 14 वोल्ट से लेके 18 वोल्ट तक आउटपुट दे देता है। उसके बाद लेना पड़ेगा हमें एक 12 वोल्ट का बैटरी। मैंने यहाँ पर 7 एम्पियर का 12 वोल्ट का बैटरी लिया है और ये बैटरी फुल्ली चार्ज है, मैंने पहले ही फुल चार्ज करके रखा है आप लोगों को दिखाने के लिए। तो चलिए वोल्टेज को चेक करके दिखा देता हूँ मैं बैटरी का कितना वोल्टेज है। देख सकते हैं आप, मल्टीमीटर को मैंने कनेक्ट कर दिया है और आप देख सकते हैं 13 वोल्ट दिखा रहा है, क्योंकि ये बैटरी फुल्ली चार्ज है इसीलिए 13 वोल्ट दिखा रहा है। लेकिन चार्जर के साथ चार्ज करने से 14 वोल्ट हो जाता है फुल चार्ज। तो चलिए हमारा स्मार्ट बैटरी चार्जर को ऑन करते हैं और बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं। ऑन हो चुका है और रेड एलईडी और ब्लू एलईडी जल चुका है। जब हम बैटरी में कनेक्ट करेंगे तब जो रेड एलईडी है सर्किट का वो ऑफ हो जाएगा और ब्लू एलईडी ब्लिंक करते रहेगा। तो चलिए कनेक्ट करते हैं बैटरी के साथ। देखिए कनेक्ट कर दिया हूँ और बैटरी स्टार्ट चार्जिंग हो गया है और जो रेड एलईडी है सर्किट का वो ऑफ हो चुका है। जब बैटरी फुल हो जाएगा तब रेड एलईडी ऑन हो जाएगा और ब्लिंक करेगा और एम्पियर भी देख सकते हैं क्लैंप मीटर के साथ 0.7 एम्पियर ले रहा है बैटरी चार्ज होने में। जब तक ना बैटरी का वोल्टेज 13.90 होता है तब तक ये चार्ज करता रहेगा बैटरी को। तो आप देखते रहिए। और इस सर्किट का एक ख़ास बात है, देखिए इस सर्किट को बैटरी से डिस्कनेक्ट करते ही कट ऑफ हो जाता है और कनेक्ट करते ही ऑटोमेटिक स्टार्ट कर देता है बैटरी चार्जिंग, आप देख सकते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और वीडियो को देखते रहिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं बैटरी फुल चार्ज हो चुका है और जब फुल चार्ज हो जाता है तो ऑटोमेटिक कट ऑफ हो जाता है और उसके बाद बैटरी ऑटोमेटिक थोड़ा ड्रेन हो जाता है, उसके बाद बैटरी को फिर से चार्ज करना स्टार्ट कर देता है ये सर्किट। और दोस्तों ये सर्किट हमेशा बैटरी को फुल रखने का कोशिश करेगा। तो आप देख सकते हैं रेड एलईडी ब्लिंक कर रहा है, मतलब बैटरी का वोल्टेज थोड़ा कमते ही फिर से स्टार्ट कर देता है चार्जिंग, लेकिन ओवरचार्ज नहीं होगा। तो चलिए थोड़ा सा बैटरी पे लोड लगा के दिखा देता हूँ इस मोटर की मदद से। तो चलिए मोटर को कनेक्ट करते हैं बैटरी के साथ, तो आपको पता चल जाएगा बैटरी अगर थोड़ा सा कम होता है तो जो चार्जर है वो कंटिन्यूसली चार्ज करता रहेगा बैटरी को। फुल चार्ज होते ही बैटरी का जो चार्जिंग है वो ऑफ हो जाएगा, अब देख सकते हैं फिर से स्टार्ट कर दिया है बैटरी को चार्जिंग करने। लेकिन अभी तक बैटरी फुल चार्ज है क्योंकि चार्जर कनेक्टेड है बैटरी के साथ, तो ज़्यादा ड्रेन कर नहीं पाया ये मोटर, तो इसलिए बैटरी फुल चार्ज ही है। और दोस्तों इस सर्किट की मदद से आप बड़ा बैटरी को भी चार्ज कर सकते हैं, लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा, उसके लिए आपको बड़ा ट्रांसफार्मर लेना पड़ेगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक 40 एम्पियर का बैटरी ले लिया हूँ, तो ये बैटरी थोड़ा डैमेज है, तो फिर भी मैं कोशिश करता हूँ इस सर्किट के मदद से चार्ज करने की। और आप देख सकते हैं अच्छे से चार्ज हो रहा है, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, 2-3 दिन लग जाएगा फुल चार्ज होने में इस ट्रांसफार्मर के साथ। और एम्पियर भी आप देख सकते हैं क्लैंप मीटर में,
0.60 और 70 एम्पियर ले रहा है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे दिए गए रेड कलर का सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, उसके साथ बगल में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए ताकि हमारी अगली वीडियो आप तुरंत पाए और सबसे पहले देख सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।